बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे और दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हम पिज़्ज़ा बनाने के मूड में हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो ईस्ट वगैरह होती है उसको पानी में भिगो के रखेंगे, फिर अगला काम करेंगे। तो डो तैयार करते हैं पहले। तो डो को भी तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है उसको तैयार होने में। तो सबसे पहले डो का काम करते हैं, फिर बाकी काम करेंगे। ये अभी हम डो तैयार करने लगे हैं। ये पहले मैदा डालेंगे, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल, तो इसको अच्छे तरीके से ऑयल में मिक्स करना है। तो ये ईस्ट वाला पानी है जो पहले तैयार किया हमने चीनी और नमक डाल के, तो इसको डाल लेंगे। डो हमारी तैयार है, बस इसको ऑयल लगाना है। कुछ टाइम के लिए ऐसे रख देंगे। डो को तैयार करने के बाद नहाया हूँ, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, फिर नमाज़ का टाइम था, नमाज़ वगैरह पढ़ के अभी वापस आया हूँ। तो अभी देखते हैं उसकी क्या सूरत हाल है। तो बाकी सामान भी उसका तैयार करते हैं, चिकन वगैरह और जो ऊपर उसकी थोड़ी बहुत ही करेंगे हम, बाकी तो सादा ही तैयार करते हैं। तो लेकिन इस बार जो हम पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं, पहले दो बार हमने पतीले में बनाया है, लेकिन वो सही बनता नहीं था, नीचे से वो ज़्यादा सख्त हो जाता था, यानी कि जलसा जाता था। तो वो लेकिन इस बार कुछ और ट्राई करेंगे, बनाएंगे पतीले में ही, लेकिन उसके बाद पतीले में उसमें कम रखेंगे, बाकी उसका जो ऊपर वाला काम है वो और तरीके से करेंगे। वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे कि क्या नया तरीका करते हैं इस बार हम। चिकन हमारा तैयार हो चुका है, तो बस अभी जो डो है उसको पिज़्ज़े की शेप में लेके आते हैं। तो बाकी काम भी आप दोस्तों को साथ साथ दिखाते जाते हैं।
काफ़ी गर्मी है किचन में, काम करना काफ़ी मुश्किल था तो, लेकिन किया है। सिर्फ इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे, जो ऊपर वाला काम है वो बाद में करेंगे, तो वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे कि नीचे से जले भी ना हो और ऊपर से भी पक जाए, तो वो भी बस 15-20 मिनट तक इसका इंतज़ार करते हैं। फिर उसके बाद जो ऊपर वाला काम है, जो इसकी चीज़ वगैरह है उसको मेल्ट करना है, वो और तरीके से करेंगे। बस अभी इसको नीचे से ही पकाना है थोड़ा सा। तो ऊपर से हम ये तवा रखा हुआ है हमने साइड पे, ये तवा गर्म हो रहा है तो इसको हम इसके ऊपर रखेंगे कि ये ऊपर से भी पक जाए अच्छे तरीके से। नीचे से तो ये पक गया है, बस ये ऊपर से अब इसको ब्राउन सा करना है, तो वो अभी हम करेंगे तवे के साथ। तवा फुल गर्म हो रहा है हमारा, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत पिज़्ज़ा बना है, ये नीचे से भी पक चुका है अच्छे तरीके से और ऊपर से भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त बना है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा पिज़्ज़ा बना है, नरम सा और खूबसूरत सा। गर्मी काफ़ी है तो काफ़ी खूबसूरत बना है, तो अभी इसको हम चेक करेंगे, तो फैमिली में बैठ के करेंगे तो इसलिए इसकी वीडियो नहीं बनेगी, तो बाद में बताएंगे आपको ये कैसा बना है। तो देखने में तो खूबसूरत है, ऊपर से भी अच्छे तरीके से पका है और नीचे से भी, तो बाकी खाने के बाद पता चलेगा। पिज़्ज़ा खाने के बाद बताना याद नहीं रहा, आराम किया है, नींद आ गई थी अचानक से, तो पिज़्ज़ा माशाल्लाह काफ़ी मज़ेदार बना हुआ था। खाने के बाद
सुस्ती सी हुई है, सोया हूँ तो अभी उठा हूँ। तो मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। रात बारिश भी आई थी तो अभी भी बारिश का मौसम है, शायद रात को आ जाए। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा और अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।